नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रणवीर और आज के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेविंग के बारे में, आपका परफेक्ट शेविंग रूटीन। हाँ जी, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे माता पिता हमें शेविंग कभी नहीं सिखाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी माता आपको शेविंग सिखा रही है तो थोड़ी सी अजीब सिचुएशन होगी। पर हमारे जो पापा होते हैं वो हमें मोस्टली शेविंग सिखाते नहीं। बचपन में ना मैंने मेरे पापा का रेजर लेके थोड़ा सा शेव किया था और फिर मैंने पापा को जाके दिखाया कि देखो मैंने शेव किया, मुझे एक चाटा मिला था। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज के वीडियो में ना आपका बड़ा भाई ही आपको शेविंग सिखाएगा। देखो, आप लोगों के लिए तो मैंने खुद 3-4 दिन से शेविंग नहीं की इस वीडियो के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको शेव कभी करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको शेविंग तब स्टार्ट करनी चाहिए जब आपका पीच फज, यानी कि जो छोटी मोटी ऐसी मूछ निकलने लगती है ना, छोटी मोटी ऐसे दाढ़ी निकलने लगती है ना, तभी ही आपको शेविंग करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यार अगर बहुत जल्दी स्टार्ट कर ली ना शेविंग तो आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, आपके बाल रफ निकलेंगे। ये कुछ भी सच नहीं है। आपकी बियर्ड की रफनेस या थिननेस किस पर डिपेंडेंट होती है? आपके जेनेटिक्स पर, यानी कि आपके माता पिता के बियर्ड पर। माता पिता के नहीं, सिर्फ पिता के। पर मेरा ये मतलब है कि अगर आपका पीच फज निकल रहा है ना, अगर आप 7th 8th स्टैंडर्ड के बंदे हो, तब आपको लेना चाहिए एक रेजर, एक शेविंग क्रीम, एक फोम ब्रश, एक डिपिंग बोल। हाँ जी, यही मेरे शेविंग इसेंशियल्स होते हैं। और ऑप्शनल शेविंग आइटम्स होते हैं एक फेस वॉश, एक परफ्यूम, एक आफ्टर शेव। तो चलो बात करते हैं शेविंग रूटीन के बारे में। चलो, आपका शेविंग रूटीन का पहला पॉइंट है ये, आपको चेक करना है अपना खुद का रेजर। तो आपको ये देखना है कि यार मेरा रेजर अभी रस्टेड हो गया है या अभी भी फ्रेश है। और उसको देखने का टेक्निक ये है कि आपको कंफर्ट स्ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। कंफर्ट स्ट्रिप, ये ब्लू या ग्रीन स्ट्रिप होती है रेजर के ऊपर। अगर ये स्ट्रिप एकदम वोन डाउन हो जाती है, अगर फटी फुटी सी हो जाती है, मतलब ये रेजर अब पुराना हो गया है और आपको नया रेजर लेना चाहिए। इस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने रस्टेड रेजर यूज कर लिया ना तो आपकी स्किन एकदम खराब हो जाएगी। ये सबसे जरूरी बात है। चलो, दूसरी चीज, आप अपनी डिपिंग बोल को भर दीजिए। तीसरी चीज, हर 2-3 स्ट्रोक के बाद आपको अपनी डिपिंग बोल में अपना रेजर डुबाना है और अपने बालों को वो पानी में छोड़ देना है। हमेशा एक क्लीन, क्रिस्प और सेक्सी रेजर के साथ शेव करना। और इसीलिए मेरा रेकमेंडेशन है जिलेट मार्क 3 टर्बो। देखो भाइयों, रणवीर अलाबादिया चैनल पर ना मैं ये मानता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई हूं और मैं आपको लाइफ के बारे में सिखा रहा हूं। जो प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज करता हूं मेरी त्वचा पर, मेरी दाढ़ी के लिए, वही प्रोडक्ट्स मैं मेरे छोटे भाइयों को रेकमेंड करूंगा। मेरा प्रोडक्ट ऑफ चॉइस है जिलेट मार्क 3 टर्बो, जो मैं बहुत सालों से यूज करते आ रहा हूँ। इसके 3 फायदे हैं मेनली। एक तो इसमें जो ब्लेड्स यूज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़े होते हैं और 60 डेज तक ये ब्लेड्स ना चलेंगे, मतलब आपको ये ब्लेड्स रिप्लेस करने नहीं होंगे, आप इससे पैसा भी बचाओगे। दूसरी चीज, ये ब्लेड्स एक स्प्रिंग पर माउंट हुए हैं रेजर पर। इसका मतलब ये है कि जब आप शेव कर रहे हो ना, तो जब आप नीचे शेव कर रहे हो या कॉर्नर्स पर शेव कर रहे हो, तो ब्लेड एक्चुअली मुड़ जाता है आपके फेस के शेप के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इससे आप प्रिसीजन शेव पा सकते हो। और तीसरी चीज, ये रेजर की डिजाइन ना 2 पॉइंट्स को इन माइंड रखकर की गई है। एक तो आपको चाहिए एक बहुत बढ़िया ग्रिप, जो ये हैंडल से मिलता है, ताकि जब आप शेव कर रहे हो ये रेजर स्लिप नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, इतना ब्यूटीफुल रेजर है यार, यही मेरी रिकमेंडेशन है जिलेट मार्क 3 टर्बो मेरे छोटे भाइयों के लिए। तो चलो अब बात करते हैं शेविंग प्रोसेस के बारे में। देखो, अगर आपकी एक थिन बियर्ड आती है ना, पतली सी बियर्ड आती है जैसे मेरी आती है, तब आपको रियली शेविंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है बस पानी की या सोपी वाटर की। थोड़ा सा साबुन मिला लो पानी में, फेस पर रब कर लो और शेविंग करने लगो। पर अगर आपकी बियर्ड थोड़ी सी थिक आती है, थोड़ी सी कोर्स आती है, रफ आती है, तब मेरा सजेशन ये है, आइडियली आपको शावर के बाद शेविंग रूटीन करनी चाहिए। इसका ये फायदा होगा कि शावर के बाद ना आपके फेस के स्किन के जो पोर्स है, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं आपके स्किन में, वो खुल जाते हैं शावर के हीट की वजह से। जब एक बार वो खुल जाते हैं, आपके बाल भी ना शावर की हीट की वजह से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और आपकी शेव फिर इजी हो जाती है। इसलिए जब मैं शेव कर रहा होता हूँ ना, तब मैं शावर के बाद शेव करता हूँ, जैसे कि अभी कर रहा हूँ। चलो, शेविंग क्रीम के बारे में बात करते हैं। देखो, आप हाथ में भी डाल सकते हो शेविंग क्रीम, बट आई प्रिफर यूजिंग दी फोम ब्रशेस, क्योंकि इसमें ना
थोड़ी सी नीट जेंटलमैन टाइप की शेव होती है। आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ी सी शेविंग क्रीम लेनी चाहिए। बहुत बंदे ना ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा शेविंग क्रीम ले लेते हैं और उससे ये डिफिकल्टी होती है कि ज्यादा शेविंग क्रीम डालकर ना आपकी शेव फिर फाइन शेव नहीं होती। आपको बहुत बार शेविंग करनी पड़ती है क्योंकि ब्लेड्स अपने हेयर्स तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए जब आप शेविंग क्रीम अप्लाई कर रहे हो ना, कम क्वांटिटी में लो और थिन लेयर इवनली अपने फेस पर लगाओ। अपने लिप्स को ऐसे अंदर ले लो, तो मैंने अब लगा ली ये शेविंग क्रीम। पास में आ जाओ, ये देखो देखो कितना पतला लेयर है। ऐसे 2-3 इंच का लेयर नहीं है, बहुत ही पतला लेयर आपको चाहिए। तो अभी चलो बात करते हैं रेजर के बारे में। देखो रेजर एक ऐसी चीज है जो आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आ रही है, और ऐसा अगर कोई भी आइटम है ना जो आप स्किन के पास लगा रहे हो, उसे हमेशा आपको धोना चाहिए यूजिंग के पहले। क्योंकि जो भी गंदे चीजें रहते हैं ना, अगर वो आपको गंदे चीजों को अपने फेस पर डाल दोगे ना, आपको बिल्कुल एक्ने हो जाएगा, क्योंकि एक्ने होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो चलो बात करते हैं ग्रेन के बारे में। क्या होती है ग्रेन? देखो ग्रेन होती है आपकी हेयर की नेचुरल ग्रोथ। तो मैं समझाता हूं। देखो अगर ये है आपकी स्किन, ठीक है, ये आपकी फेस की स्किन, ऐसा अगर आपका फेस है तो चलो ऐसे बात करते हैं। ये है आपकी फेस की स्किन, आपके हेयर्स ना ऐसे ग्रो करते हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं ग्रो करते, थोड़े से कर्व ग्रो करते हैं। अगर आपने ऐसे शेव किया तो आप वो ग्रोथ के डायरेक्शन में शेव करते हो, इसे हम कहते हैं अलोंग द ग्रेन शेविंग। अगर आपने ऐसे शेव किया, देखो हेयर ऐसा है, आप उसको पुश करके शेव कर रहे हो, उसे हम कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेन शेविंग। और अगर हेयर ऐसे ग्रो कर रहा है और अगर आप ऐसे शेव कर रहे हो, उसे हम कहते हैं अक्रॉस द ग्रेन शेविंग। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपकी थिन बियर्ड आती है, अगर आपकी पतली दाढ़ी आ रही है, तो आपको हमेशा अलोंग द ग्रेन शेविंग करनी चाहिए। मैं तो हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज अलोंग द ग्रेन ही करता हूं। अगर आपकी बियर्ड थोड़ी सी ज्यादा थिक है तो फिर आपको फिर अक्रॉस द ग्रेन करनी चाहिए, और अगर आपकी दाढ़ी फिर भी नहीं जा रही है ना, तभी ही आपको अगेंस्ट द ग्रेन करनी चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी एकदम रफ है, एकदम कोर्स है, और आपकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं जा रही है विद द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन से, फिर आपको अगेंस्ट द ग्रेन करनी चाहिए। बट मोस्टली अगर आप इंडियन जेनेटिक्स, देसी जेनेटिक्स को ध्यान में रखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से एक अलोंग द ग्रेन और एक अक्रॉस द ग्रेन बहुत ज्यादा है, काफी है आपके लिए। तो चलो थियोरी की अब बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। 3 ऐसे गोल्डन रूल है जब आप शेविंग कर रहे हो ना, आपको उससे पहले ये 3 गोल्डन रूल जानने चाहिए। तो चलो पहले शेविंग करते हैं, मैं समझाता हूँ। पहला गोल्डन रूल है कि अगर आपकी दाढ़ी ज़्यादा नहीं आ रही ना, तो ऐसे ज़्यादा शेव मत करना, क्योंकि देखो आपकी दाढ़ी ऐसे उगने नहीं वाली। अगर आप ज़्यादा शेव करोगे ना तो ज़्यादा उगने नहीं वाली। आपकी दाढ़ी कब उगती है? जब आपके जेनेटिक्स वो डिटर्मिन करेंगे ना कि हाँ यार इसकी दाढ़ी उगनी चाहिए, तब आपकी दाढ़ी उगेगी। मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पापा की एक बहुत थिक बियर्ड आती है, या आपके माता के भाई के, आपके मामा के थिक बियर्ड आती है, तब चांसेस लाइकली है कि आपकी भी थिक बियर्ड आएगी। पर अगर आपके फैमिली में सब लोगों की थिन बियर्ड होती है ना, अगर सब लोगों की बियर्ड थोड़ी लेट आ गई लाइफ में, तब आपकी भी बियर्ड लेट आएगी। देखो मैं अभी 25 ईयर्स का हूँ, मेरी भी बियर्ड अभी फुल्ली नहीं आई है। मैंने मेरे पापा से बात की, मेरे मामा से बात की, उनकी बियर्ड एज 30 पर आई थी। इसलिए आपके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग आपकी बियर्ड आएगी। आपको ऐसे जबरदस्त शेव नहीं करना चाहिए, एक ही स्पॉट में बहुत बार रेजर नहीं घुमाना चाहिए, बस एक स्मूथ मोशन में ऐसे ऐसे शेव करना चाहिए। प्लेजरेबल, अमेजिंग, फन। तो चलो मेरी शेविंग हो गई, अब हम बात करते हैं दूसरे गोल्डन रूल के बारे में। दूसरा गोल्डन रूल ये है कि आपके जो पिंपल्स आते हैं ना, उन पर आप बिल्कुल शेव ना कीजिए। अगर आपने पिंपल्स पर शेव किया ना, तो वहाँ का स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाता है, और एक्चुअली ये डैमेज परमानेंट डैमेज हो जाती है, आपकी स्कारिंग हो जाती है, आपके वो फेस में जो खड्डे आ जाते हैं ना, वो इससे ही होता है कि आपके पिंपल्स डैमेज हो गए हैं। इसलिए जब आपको पिंपल्स आ रहे हैं, जब आपको एक्ने आ रहा है ना, तो वहाँ शेविंग बिल्कुल मत कीजिए। और तीसरा गोल्डन रूल है कि यहाँ इसे हम कहते हैं ट्रिकी स्पॉट्स, कॉर्नर ऑफ द जॉ, अंडर द नेक, अंडर द लिप्स। बहुत बंदे ना यहाँ शेव करना भूल जाते हैं। और अगर आपको सच में क्लीन शेव चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, अगर आपको एक सक्सेसफुल बंदे जैसे दिखना है, तब आपको ये ट्रिकी स्पॉट्स पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। तो भाइयों, पोस्ट शेव रूटीन का पहला पार्ट है ये ठंडा पानी, बिल्कुल कोल्ड वाटर। जैसे कि मैंने कहा ना, शावर के बाद आपके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, और वो होता है हॉट वाटर की वजह से, हीट की वजह से। वैसे ही जब आप कोल्ड वाटर यूज़ कर रहे हो, ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपके स्किन के पोर्स एकदम बंद हो जाते हैं,
और उसकी वजह से बैक्टीरिया है ना, जो एयर में बैक्टीरिया होता है, जब आप बाहर जा रहे हो काम के लिए, कॉलेज जा रहे हो बाहर, तब भी बैक्टीरिया आपके स्किन पर आ जाता है। पर अगर आपके पोर्स क्लोज होंगे ना, तब वो बैक्टीरिया आपके स्किन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो एक टेक्निक होता है ये कि आप कोल्ड वाटर का यूज कीजिए। दूसरा टेक्निक होता है कि आप आफ्टर शेव यूज कर लीजिए। आफ्टर शेव एक डिसइंफेक्टेंट भी होता है, तो अगर आपके फेस पर पहले से थोड़ा बैक्टीरिया है, उसे भी एकदम नष्ट कर देता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्यूचर बैक्टीरिया फ्रॉम अफेक्टिंग योर फेस। अगर आपके पास आफ्टर शेव नहीं है, तो आप थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा सकते हो। और अगर आपके पास परफ्यूम और आफ्टर शेव दोनों नहीं है, तो एटलीस्ट एक फेस वॉश लगा लो यार। मेरे हिसाब से हर बंदे के पास एक फेस वॉश तो रहनी चाहिए, वो भी माइल्ड फेस वॉश। और आपने जहां भी शेव किया हुआ है ना, अपने चेहरे पर, अपने नेक पर, वहां फेस वॉश रब करके ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो चलो, अभी शेविंग की बात हो गई, अभी हम बात करते हैं पोस्ट शेव आपको क्या करना चाहिए। आपके शेविंग के बाद आपके जो टूल्स होते हैं ना, उसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आपकी जो डिपिंग बोल है, उसे आप साफ कर दीजिए, पानी से धोइए, सोप से धोइए, और फिर उसके बाद रेजर पर ध्यान दीजिए। रेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है हर बंदे के लिए, हर आदमी के लिए, और उसका ख्याल आपको रखना चाहिए। आपको अपने टूल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। शेविंग के बाद आपको रेजर अच्छे से धोना चाहिए, उसमें जो बाल फंसे हुए हैं उन्हें साफ करना चाहिए। एक बार वो रेजर धुल गया, आपको फिर उसे पोंछना चाहिए। देखो, रेजर बना होता है स्टील से, और अगर आप स्टील को गीला रखोगे ना और ऐसे ओपन एयर में रखोगे, उस पर रस्ट जमा हो जाता है। अगर आप रस्टेड रेजर से कभी भी शेव कर रहे हो ना, आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। इसलिए मेरा गोल्डन रूल है ये कि आपको हमेशा अपने टूल्स का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, रणवीर अलवादिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बियर बाइसेप्स पर हमारी मेन ग्रूमिंग प्लेलिस्ट देख लीजिए, वो इंग्लिश में है, पर वहां हमने बहुत ऐसे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो में मजा आया तो शेयर कर लो, और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम एंड गिग्स, सी यू लेटर।